हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्पार्क स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है गुजरात पीएससी रिक्रूटमेंट 2018। आज हम बात करेंगे गुजरात पीएससी रिक्रूटमेंट की, ठीक है। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 412, और जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं करा है वो अप्लाई कर लीजिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 अक्टूबर 2018। क्लियर है? लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2018। तो ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फिर आगे। जैसे कि मैं बात कर रही थी गुजरात पीएससी रिक्रूटमेंट की, तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपकी पोस्ट निकाली है। वो पोस्ट है आपकी डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की और डिप्टी मलतार की, ममलातार क्लास 3। क्लियर? इन सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट्स, गुजरात लेजिस्लेचर, सेक्रेटरिएट एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। क्लियर? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 412, और लास्ट डेट होगी इसकी आपकी 1 अक्टूबर 2018। इसमें आपका बेसिकली जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका, जो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका है 16 दिसंबर 2018। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम आपका 16 दिसंबर 2018 को होगा। जो भी आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो एग्ज़ाम का, वो आपका अराउंड फेबररी 2019 में आ जाता है इसका। और जो इसका मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 27 अप्रैल 2019 एंड 28 अप्रैल 2019। फर्स्ट तो आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर को है, फैब तक रिज़ल्ट आ जाएगा, फेबररी तक। उसके बाद जो आपका मेन रिज़ल्ट होगा, मेन एग्ज़ामिनेशन रिटन एग्ज़ाम, वो होगा आपका 27 अप्रैल 28 अप्रैल 2019, ठीक है। और जो मेंस का रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो होता है आपका सितंबर 2019, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैं दोबारा बता रही हूँ, 412 हैं। अगर अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की अगर बात करें तो इसमें आपकी जो पे स्केल होगी वो है 38,090। फ्रेंड्स, 38,090 है जो कि आपकी फ़िक्स पे होगी फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट वगैरह जो होता है वो होगा अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। क्लियर? एज लिमिट है इसकी 20 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। क्लियर? ये आपकी जो रिकॉर्ड की जाएगी वो होगी 1 अक्टूबर 2018 से। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। बेसिकली इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है वो बैचलर डिग्री होती है। वो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। एंड आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि गुजरात सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट में चाहिए। क्लियर है? एंड उनको नॉलेज भी होनी चाहिए वहाँ की, गुजराती आनी चाहिए और हिंदी आनी चाहिए। आपको ये चीज़ कंपलसरी, आपको नॉलेज होनी चाहिए गुजराती और हिंदी की, और मीन्स है हिंदी और गुजराती। जो भी कैंडिडेट्स जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का, या जिनका भी अभी अवेटेड है, या जो लास्ट ईयर है जिनका, मेनली यही क्वेश्चन होता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
जब आपका जो दिखाना होगा प्रूफ, जो लास्ट डेट होती है वो है आपकी जो 1 अक्टूबर तक है, वहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मेनली ये चीज़ है, जिनका भी अभी तक अवेटेड है जो भी है वो कब तक आ जाना चाहिए आपका, 1 अक्टूबर 2018 तक। तो जिनका 1 अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाता है वो ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मेन। अगर मैं इसमें बात करूँ, जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैंने आपको डायरेक्ट टोटल वैकेंसीज़ बताई हैं, अगर बात करें यहाँ पे मतलब कैटेगरी वाइज, तो वैकेंसीज़ वो भी देख लेते हैं। वो आपकी जनरल कैटेगरी में, मतलब इसमें आपके 4 डिपार्टमेंट्स हैं: डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटरी का एंड गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, लेजिस्लेचर एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। अगर सेक्रेटरीट की बात करें तो उसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 187 है। और सिविल सर्विस, सॉरी, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी 19 पोस्ट हैं, लेजिस्लेचर में 6 हैं एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट में 200 है। तो टोटल मिला के हो गई आपकी 412। ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है। जनरल कैटेगरी में टोटल हैं आपकी 238, एससी में है 23, एसटी 57 एंड अदर्स में आप देख लीजिए वो है 94। ठीक है, तो ये आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। इसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट पर रूल। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर फिर भी किसी को क्वेरी है इस जॉब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।